हाँ जी दोस्तों, तो सैलरी अकाउंट के बाद देखते हैं आपका आइटम्स ऑफ स्टेशनरी या फिर कंज्यूमेबल आइटम्स, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्टेशनरी यूज्ड और प्रोविजंस यूज्ड और मेडिसिंस यूज्ड। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें, फॉर एग्जांपल अगर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो उसके अंदर कंज्यूम होने वाला आइटम क्या होगा? मेडिसिन। ठीक, अगर कोई क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब, तो उसके अंदर कंज्यूम होने वाला आइटम क्या होगा? बैट बॉल या फिर कोई और स्पोर्ट्स का आइटम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ठीक, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो पॉइंट इज, जो आइटम एनपीओ के अंदर कंज्यूम हो रहा है उसका कंजम्पशन एक एक्सपेंडिचर है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो होना चाहिए। जो आइटम आपने परचेज किया वो नहीं आएगा, जो कंज्यूम किया वो आएगा। कंज्यूम किया कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सिंपल। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें दो एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। पॉइंट इज, अगर आपने वो आइटम उधार खरीदा था तो उसके क्रेडिटर्स की पेमेंट अभी भी बाकी हो सकती है। ठीक, हो सकता है आपने पिछले साल उधार खरीदा हो, उसकी पेमेंट आज बाकी हो या चुका दी हो। तो पॉइंट इज, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, इन दोनों का भी ट्रीटमेंट आपको कंज्यूमेबल आइटम में करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी के हिसाब से मैं बता देता हूं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, वो करेंट ईयर को बिलोंग करते हैं। तो पॉइंट इज, क्या वो कंज्यूमेबल आइटम्स में दिखाए जाएंगे? यस सर। क्या मतलब? बताता हूं। आपने माल उधार खरीदा, क्या वो इस साल कंज्यूम नहीं होगा? क्या पॉसिबली हो जाए? ठीक, लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, उससे क्या मतलब? उससे क्या मतलब मुझे बताओ। तुमने क्लोजिंग क्रेडिटर तुम्हारे पास बचे कैसे? तुमने उधार खरीदा होगा तभी तो बचे। तो जो तुमने इस साल खरीदा है परचेस, अभी मैंने तुम्हें कंज्यूमेबल्स का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक, पॉइंट इज, परचेज निकालने के लिए क्लोजिंग क्रेडिटर का यूज होगा। कैसे होगा बाद में देखेंगे, उसे छोड़ो। कंज्यूमेबल का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, बात खत्म। ओपनिंग क्रेडिटर, क्या ओपनिंग क्रेडिटर करंट ईयर को बिलोंग करते हैं? नहीं, ये पिछले साल के होते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब क्या है? साल की शुरुआत में जो क्रेडिटर्स की पेमेंट बाकी थी। कैसे बाकी थी? पिछले साल उधार खरीदा था तुमने, तो वो पिछले साल दिखा दिया होगा परचेज के अंदर। यस, तो वो इस साल आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टेशनरी यूज्ड निकालने का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले मुझे आपको दो चीज और बतानी है। वो दो चीजें कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं। कहां गए मेरे नोट्स? यस, कई बार क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ परचेज की जगह अमाउंट पेड दिया होता है, अमाउंट पेड इज गिवन। ठीक, तो जब आपको अमाउंट पेड दिया है, लेकिन कंज्यूमेबल का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या निकल के आएगा? आइटम्स कंज्यूम्ड, आइटम्स कंज्यूम्ड। पॉइंट इस, आपको क्वेश्चन में परचेज नहीं दे रखी। ठीक, तो वो परचेज हम नीचे से निकाल लेंगे, नीचे से नोट से। तो अमाउंट पेड आपको गिवन है, अब अमाउंट पेड से परचेज कैसे निकलेगा? नीचे आ जाओ। जो आपकी अमाउंट पेड आपको गिवन है, ये वो अमाउंट है जिसमें आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है। ठीक सर, कौन से क्रेडिटर्स? एक होते हैं ओपनिंग क्रेडिटर, जिनका पैसा पिछले साल आपने फंसा दिया था माल खरीद के, लेकिन आपने उनकी पेमेंट नहीं करी थी। एक होते हैं इस साल जो आपने परचेस करी, वो आपके क्लोजिंग क्रेडिटर होंगे बचे हुए, जिनकी पेमेंट नहीं करी आपने। तो मुझे बताओ, करेंट ईयर को कौन से क्रेडिटर्स बिलोंग करते हैं?
करेंट ईयर को क्लोजिंग क्रेडिटर्स बिलोंग करते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर कौन से साल के? पिछले। अब जरा बात को समझना। उदाहरण के तौर पे मान लो 10,000 की पेमेंट बाकी थी क्रेडिटर्स की, आपने 90,000 का माल खरीद लिया, ठीक, आपने 90,000 का माल खरीद लिया तो कितनी पेमेंट हो गई? टोटल 1 लाख जो देनी बाकी है। आपने इसमें से 80,000 की पेमेंट कर दी तो आपके पास क्रेडिटर्स की पेमेंट कितने बचे? कितनी क्रेडिटर्स की पेमेंट आपको और करनी है? 10 प्लस 90 माइनस 80, 20,000। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, आपके पास शुरुआत में 10,000 के क्रेडिटर्स थे, आपने 90 का माल और खरीद लिया, टोटल 1 लाख रुपीज की पेमेंट आपको करनी है जिसमें से 80,000 आप पे कर चुके हो, तो आपके पास क्या बचा? 20,000। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? ये पेमेंट अमाउंट पेड, तो मान लो यहां पे आपको अमाउंट पेड दिया है 80,000। ठीक, मुझे कहां पे पहुंचना है? वापस परचेस पे। मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ऐड ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने? 20,000। माइनस कर दूंगा लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल को बिलोंग करते हैं, हमें किसके लिए परचेज चाहिए? करेंट ईयर के लिए। तो जो करेंट ईयर के परचेज निकालने के लिए आपको अमाउंट आएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स इसमें से लेस कर देंगे 10,000। मुझे बताओ कितना आएगा? 90,000। ये था आपका अमाउंट ऑफ परचेज। ठीक है, तो यहां से हम परचेज निकाल लेंगे और कंजम्पशन के फॉर्मूले में डाल देंगे। कहां है? ऊपर है ये रहा। ठीक, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स यूज करने हैं कंजम्पशन आइटम निकालने के लिए, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो? परचेज मत लिखो, डायरेक्ट पेड लिख दो, ओपनिंग प्लस पेड। और मुझे बताओ करेंट ईयर की परचेज के लिए कौन से क्रेडिटर्स बिलोंग करते हैं करेंट ईयर को? सिर्फ क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर और लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो जो कंज्यूमेबल का फॉर्मूला आएगा, कंज्यूमेबल का फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप दो तरीके से उसको निकाल सकते हो, एक तो वर्कशीट स्टेटमेंट बना के, दूसरा लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बाद में देखेंगे, अभी के लिए इधर आ जाओ। अब इसमें ना दो आइटम्स और हैं जो आपको समझने हैं, जिसको हम बोलते हैं एडवांस पेमेंट। क्या आप अपने क्रेडिटर्स को एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो मुझे बताओ अगर आपने पिछले साल प्रीवियस ईयर में अपने क्रेडिटर्स को एडवांस दिया था, वो कौन से साल का था? करेंट ईयर का। आपने पिछले साल जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करी होगी एडवांस में, वो किस साल के लिए करी होगी? करेंट ईयर के लिए। तो मुझे बताओ पिछले साल का ओपनिंग एडवांस जो क्रेडिटर्स का है, वो कौन से साल को बिलोंग करता है? करेंट ईयर को। इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर का एडवांस है क्रेडिटर्स का, एडवांस ओपनिंग एडवांस, वो करेंट ईयर की परचेज में ऐड होना चाहिए, क्योंकि वो करेंट ईयर के लिए ही था। लेकिन जो आपने एंड में पेमेंट करी होगी ना, करेंट ईयर के एंड में एडवांस आपने पे किया होगा, ये एडवांस अगले साल को बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर। तो भाई साहब ये नहीं जुड़ना चाहिए यहां पे, अगर ये है तो माइनस कर दो भाई। ये एडवांस पेमेंट अमाउंट पेड के अंदर जुड़ी हुई होगी, अमाउंट पेड के अंदर जुड़ी हुई होगी, तो उस अमाउंट पेड में से क्लोजिंग एडवांस ऑफ क्रेडिटर्स जो आपने पे कर रखा है, इस साल एडवांस में पे कर दिया ना, वो माइनस कर देंगे। और जो पिछले साल आपने पे किया था वो इस साल का था भाई साहब, उसे ऐड करो। ठीक, तो फॉर्मूला देखो इस। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस पेमेंट फॉर स्टेशनरी इन कैश ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ये क्या है? आपका अमाउंट पेड। ठीक, क्योंकि पेमेंट हो रही है तो करेंट ईयर की परचेज है। एड पेमेंट मेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर बिलोंगिंग टू द करेंट ईयर, ये भाई साहब आपका ओपनिंग एडवांस है।
ओपनिंग एडवांस क्यों ऐड किया? पिछले साल पेमेंट करी थी, किस साल के लिए? इस साल के लिए। ओपनिंग एडवांस एड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करेंट, ये आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस, सर क्लोजिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस क्यों ऐड किया? ओहो, करंट ईयर के एंड में क्रेडिटर्स की पेमेंट बाकी है, इस साल तुमने खरीदा होगा, परचेज की होगी पक्का, इसलिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स यहां पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इतना ऐड करने के बाद यहां से लेस होंगी, पहले क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर पेड इन द करेंट ईयर इंक्लूडेड इन द टोटल पेमेंट फॉर करेंट ईयर। हो पता नहीं क्या क्या बोल दिया, वो कह रहा है ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स एज एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के एंड में जो क्रेडिटर्स थे पेड इन द करेंट ईयर, उनकी पेमेंट आपने इस साल कर दी होगी, लेकिन वो अमाउंट पेड में जुड़ा हुआ है, क्यों करी पेमेंट? अरे सर करनी तो थी, लेकिन वो इस साल की परचेज नहीं है ना, इसलिए वो पिछले साल की परचेज थी, तो मैं यहां से वो माइनस कर दूंगा, इंक्लूडेड इन द टोटल पेमेंट फॉर करेंट ईयर। ठीक, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस हो जाएंगे, उसके बाद एडवांस पेमेंट फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करेंट ईयर एंड इंक्लूड इन द पेमेंट्स ऑफ द करेंट ईयर, ये एडवांस पेमेंट है इस साल के एंड में, ये किस साल की है? अगले साल की। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, ये क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस हो जाएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस हुआ? क्योंकि वो कंज्यूम नहीं होता, कंज्यूम होता तो क्लोजिंग कैसे बचता? मुझे बताओ ना, अगर बैट बॉल इस्तेमाल ही नहीं हुए तो वो कंज्यूम कैसे हो गए? कंज्यूम तो वो होता है ना जिनको बिल्कुल निचोड़ के फेंक दिया तुमने, उसको बोलते हैं कंजम्पशन। अब तो बच्चे में बेचारे बैटर बॉल, हाँ तो वो कंज्यूम नहीं, क्लोजिंग माइनस करेंगे, निकल के आएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्टेशनरी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्टेशनरी यूज्ड इन द करेंट ईयर। ठीक, अब इसी को हम समझते हैं एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेजर अकाउंट। मैं आपको बता दूं, जो स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी ये एक एसेट है, स्टॉक है, ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक। इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब जरा बात को समझना, क्योंकि ये स्टॉक है, अगर आपने इसको कंज्यूम किया है तो जो कंजम्पशन वाला आइटम है वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉक कंज्यूम कर लिया, आपका स्टॉक रिड्यूस हो गया, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसकी एंट्री होती है इनकम, ये एंट्री नहीं है अकाउंट, बस ये मेमोरेंडम अकाउंट है, तो बस बैलेंस निकालने के लिए बनाया जा रहा है, अदरवाइज इसकी एंट्री इस पास नहीं होती। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में आएगा, यहां से ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, लेकिन ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि गायब होगा ना क्वेश्चन में से, इसलिए निकालने के लिए ऊपर जो हमने एडजस्टमेंट्स करी थी, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स थी? ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। अब जरा बात को समझना, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी कौन सी साइड में ओपन होती है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आएगा ओपनिंग बैलेंस का क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, वही भावनाओं को समझो, क्रेडिटर्स ऑफ लास्ट ईयर बैलेंस बीडी। तो क्लोजिंग क्रेडिटर कहां पे आएंगे? डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी, क्रेडिटर्स फॉर करेंट ईयर। ठीक, ऐसे ही ओपनिंग एडवांस आपके लिए एक एसेट है, एडवांस पेमेंट एक एसेट होती है, तो एडवांस पेमेंट कहां पे आएगी? डेबिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस, ये रहा टू बैलेंस बीडी के अंदर एडवांस पेड लास्ट ईयर। ठीक, क्रेडिट साइड में आएगा एडवांस इन द करेंट ईयर बैलेंस सीडी के अंदर। तो ये आइटम्स जब आप पोस्ट कर दोगे तो डेबिट साइड में आपकी आएगी पेमेंट, अमाउंट पेड आपको गिवन होता है ना क्वेश्चन में, अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर्स, तो डेबिट साइड में आएगा टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, पेमेंट मेड इन द करेंट ईयर, टू कैश और बैंक। डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे, निकल के आएगा क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि बैलेंसिंग फिगर, ये रहा,
ये ही है आपका आइटम जो कंज्यूम होगा स्टेशनरी का या किसी और आइटम का जो भी एनपीओ के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, उसके अंदर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर। ये था आपका कंज्यूमेबल आइटम। आगे आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, ठीक है, इसको कर लेना, इजी है एकदम। और स्टेशनरी वाले आइटम का आपको एग्जांपल दे रखा है, तो मैं आपको ये करा देता हूं, राइट। कैलकुलेटर अपने पास ही रखना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग डेट। तो आपको 2020 का डेटा दे रखा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2020, मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2020, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस मुझे बताओ उसका क्या करते हैं? नहीं करते, माइनस करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर को बिलोंग करता है। लास्ट ईयर का क्रेडिटर्स मतलब लास्ट ईयर की परचेज। आगे एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम 2019। ओके, तो वो कह रहा है पिछले साल जो एडवांस दिया था उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया, ये ओपनिंग एडवांस ही जुड़ेगा। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2020, ये आपका अमाउंट पेड दे रखा है, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2020, आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी फॉर दिसंबर 31 2020, ये आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन डिसंबर 31 2020, आपने एडवांस पे कर रखा है स्टेशनरी का 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है। आगे अब इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है अमाउंट पेड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले हम उठाएंगे ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000, इसमें हम ऐड करेंगे अमाउंट पेड। अमाउंट पेड कितना है फॉर स्टेशनरी? 1,08,000। तो अमाउंट पेड इसमें कर देंगे ऐड, 1,08,000, कितना हो गया? 138। अमाउंट पेड में हम जोड़ते हैं पिछले साल, अमाउंट पेड में हम ऐड करते हैं करंट ईयर के क्रेडिटर्स और पिछले साल का एडवांस, ओपनिंग एडवांस, और इसमें से लेस करते हैं, लेस पिछले साल के क्रेडिटर्स और क्लोजिंग एडवांस, ठीक। तो यहां पे देखो, लेस पेमेंट्स मेड फॉर क्रेडिटर्स ऑफ 2019, वो कह रहा है पिछले साल जो आपने पेमेंट करी थी, यानी कि पिछले साल के क्रेडिटर्स के लिए, वो एडवांस यहां से लेस हो जाएगा। लेस पेमेंट्स मेड फॉर क्रेडिटर्स ऑफ 2019, कितना दे रखा है? 20,000। ये रहा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन जनवरी 1 2020, पिछले साल के क्रेडिटर्स 20,000 थे। ओपनिंग क्रेडिटर्स हम इसमें से माइनस कर रहे हैं क्योंकि ओपनिंग क्रेडिटर्स करंट ईयर को बिलोंग नहीं करते। अब इसमें ऐड करेंगे पेमेंट्स मेड इन 2019 बट स्टेशनरी रिसीव्ड इन 2020, तो ये आपका ओपनिंग एडवांस है, ओपनिंग एडवांस, ये क्या है आपके? ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस करेंट ईयर को बिलोंग करता है, इसको कर देंगे ऐड। और लास्ट में ऐड हो रहा है क्रेडिटर्स एट द एंड फॉर स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट। अच्छा, तो ये आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं जो इसमें ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या हो रहा है? पेमेंट्स मेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर स्टेशनरी टू बी रिसीव्ड इन 2021। तो 2021 आपका अगला साल है, इस साल जो आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, एडवांस पेमेंट क्लोजिंग वाली करेंट ईयर में नहीं दिखाई जाती क्योंकि वो अगले साल को बिलोंग करती है, ठीक। और आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें से माइनस हो जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये कंज्यूम नहीं हुआ। निकल के आ रहा आपका अमाउंट ऑफ स्टेशनरी एक्चुअली यूज्ड इन 2020, दैट इज द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2020। ये था आपका कंजम्पशन आइटम। अगला टॉपिक है आपका पोजीशन रिलेटिंग टू बैलेंस शीट। वो कह रहा है इसमें हम
क्या क्या दिखाएंगे, ऊपर ना नंबर डले हुए हैं, तो ये देख लेना बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे दिखाए जाते हैं। सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग क्रेडिटर्स पिछले साल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्लोजिंग क्रेडिटर्स करेंट ईयर की लायबिलिटी में, ओपनिंग एडवांस पिछले साल का एसेट साइड में, और करंट ईयर का एडवांस जो है पेमेंट है वो आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में, करंट ईयर वाली बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, तो यही आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको अकाउंट बना के करते तो कैसे करते, तो फिर से वही सेम अकाउंट है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ओपनिंग क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, क्रेडिट साइड में आएगा 20,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स आएगा डेबिट साइड में, ओपनिंग एडवांस डेबिट साइड में, क्लोजिंग एडवांस इसमें है नहीं, है 5,000, वो आएगा क्रेडिट साइड में। पे अमाउंट पेड आपको दे रखा है 1,08,000 टू बैंक, 1,08,000 डेबिट साइड का टोटल आएगा 153। 153 में से माइनस कर देंगे 20, 3 और 5, ठीक 28,000 रुपये माइनस कर देंगे, निकल के आएगा 1,25,000। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस इतना ही है इसमें, और क्या फालतू में टेंशन ले रहे हो। आगे रूल्स रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फंड, वो बोल रहा है अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर फंड है, पर्टिकुलर फंड का मतलब क्या होता है, जैसे आपको अलग से डोनेशन मिलती है ना बिल्डिंग बनाने के लिए, पवेलियन बनाने के लिए, कुछ भी स्पेसिफिक एसेट क्रिएट करने के लिए आपको एक फंड मिला है, आपको पैसा मिला है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी होता है। जब पैसा खर्चा जाएगा उसी फंड में से खर्चा जाएगा, जब इनकम आएगी फंड से रिलेटेड तो उस फंड में ही जोड़ी जाएगी। तो पॉइंट इज, अगर फंड से रिलेटेड कोई इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं वो इस टॉपिक में देखेंगे। एज जनरल रूल ऑल द आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू द रेस्पेक्टिव क्रेडिट एंड डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाउएवर देयर इज अ डिपार्चर फ्रॉम दिस रूल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इफ दीज आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड। वो बोल रहा है वैसे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही सब कुछ दिखाया जाता है, इनकम एक्सपेंसेस, लेकिन वो कह रहा है उस रूल से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कब, जब आपको स्पेशल फंड दिया हो, जब आपको स्पेशल फंड दिया हो इनकम, व्हेन सम इनकम अराइजेस तो उसको क्या करेंगे स्पेसिफिक, जैसे कि स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट द सेम इज नॉट क्रेडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट इट इज एडेड टू दैट फंड डायरेक्ट इन द डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट। वो कह रहा है डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाके जोड़ दो उस फंड को, डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाके जोड़ दो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू टूर्नामेंट फंड इज इन्वेस्टेड इन सम सिक्योरिटीज, वो बोल रहा है आपको टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट कराने के लिए आपको पैसे मिले, फंड मिला, ठीक है फंड क्रिएट हो गया। अब उस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी की सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, किसी में भी, हमें क्या पता, से गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक, द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट्स इज एडेड टू द टूर्नामेंट फंड इन द बैलेंस शीट एंड इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कि जो इंटरेस्ट उस गवर्नमेंट बॉन्ड से हमें मिलेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, क्रेडिट साइड में इनकम नहीं है, वो है इनकम लेकिन वो फंड की इनकम है इसलिए फंड में जुड़ जाएगी वापस। हाउएवर इनकम ऑन नॉन फंड इन्वेस्टमेंट्स इज क्रेडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो तो पता ही है। आगे एक्सपेंसेस सेम ट्रीटमेंट है भाई साहब, प्लीज रीड इट। इलस्ट्रेशन 7, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। हाँ बताओ कैसे ट्रीटमेंट करोगे इन आइटम्स का जो आपको नॉन ट्रेडिंग फॉर्म के लिए दिए हैं। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेना, आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द गिवन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है, हालांकि एग्जाम में इसका उल्टा भी आ जाता है, वो आपको बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा और बोलेगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाओ, पूरा क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में वो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स दे देता है, नहीं भी देता तो फिर बना लेंगे। तो आपको क्या करना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को देख के। ठीक, रिसीट्स एंड पेमेंट्स आपको दिया होता है,
वहां से आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, कुछ आइटम्स पोस्ट होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की राइट साइड में। आपने देखा होगा जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसके रिसीट साइड में क्या क्या आता है, सारी रिसीट्स, लेकिन उसमें से रेवेन्यू रिसीट्स छांट के हम डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। और आपने देखा होगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो क्रेडिट साइड होती है ना, क्रेडिट साइड, वहां पे पेमेंट वाली साइड पे कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स दोनों आती हैं। उसमें से छन्नी मिछान के रेवेन्यू पेमेंट्स एडजस्टमेंट्स करने के बाद ट्रांसफर हो जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ठीक, तो पॉइंट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी। आगे सबसे पहला स्टेप, कंसीडर द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड प्रोसीड एज फॉलोज। तो कैसे चलना है, पहला स्टेप, राइट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ऑन द एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। वो बोल रहा है जब आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखते हो तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन होते हैं कैश और बैंक के, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है ध्यान रखना, अगर वो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, और क्लोजिंग डेबिट में आ रहा है तो भी वो ओवरड्राफ्ट है, लेकिन बैंक का खाली, कैश का नहीं होता, कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको जो भी ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के, वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देने हैं, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस। एंटर द रिसीट्स ऑफ प्रीवियस ईयर रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन रेंट एटसेट्रा ऑन द एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। तो वो बोल रहा है जितने भी रिसीट्स हैं पिछले साल की रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन रेंट ऑन द एसेट साइड, पिछले साल के सब्सक्रिप्शन का मतलब जो आपको मिली इस साल है लेकिन वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग यस, अक्रूड इनकम ड्यू हो गई थी लेकिन मिली नहीं थी, मिली इस साल है, इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जब रिसीट साइड में, क्योंकि वहां सारी रिसीट्स आती हैं किसी भी साल को बिलोंग करने वाली, तो वो उस साल की भी होंगी जो पिछला साल था यानी कि प्रीवियस ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी इनकम आपको रिसीव हो रही है करेंट ईयर में तो वो प्रीवियस ईयर की इनकम, इसका मतलब क्या थी, आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, एसेट, एसेट कौन सी, प्रीवियस ईयर की, तो वो कहां जाएंगी, एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। अब एंटर द रिसीट्स रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ बताओ सही कह रहा है एकदम, वो कह रहा है रिसीट साइड में चेक करो क्या आपको करेंट ईयर में कोई ऐसा पैसा तो नहीं मिला जो अगले साल को बिलोंग करता है। ठीक, अगर वो पैसा अगले साल को बिलोंग करता है तो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी को करेंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाया जाना चाहिए। तो जितने भी आइटम्स रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर होंगे वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, करेंट ईयर की बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में जाएंगे। आगे रिकॉर्ड द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ करेंट ईयर आफ्टर कंसीडरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल, जितनी मैंने आपको बताया था रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डेबिट साइड जितनी भी आपकी रिसीट्स होंगी वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देनी है, खाली रेवेन्यू, ओनली रेवेन्यू। एंटर द कैपिटल रिसीट्स ऑफ द करेंट ईयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जो आपकी कैपिटल रिसीट, जो पैसा आपको बहुत भारी या फिर हैवी अमाउंट में मिला है वो आपके लिए लायबिलिटी होता है, या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला तो वो भी लायबिलिटी होता है। तो पॉइंट इज अगर आपको कोई भी कैपिटल रिसीट रिसीव हुई है वो आपके लिए एक लायबिलिटी है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक, इन केस देयर इज अ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट्स कंपेयर द सेल प्राइस विद द बुक वैल्यू। ओहो, वो कह रहा है अगर फिक्स्ड एसेट बिकी है या इन्वेस्टमेंट बिकी है तो आपको सेल प्राइस को कंपेयर करना है उसकी बुक वैल्यू से, ठीक है, जो भी बिकी है वो, और वहां से प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस हुआ तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक, इनकम आपकी इनकम साइड और लॉस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो था पहला स्टेप। बताओ सर, पहले स्टेप में इतने सारे स्टेप हैं और कितने स्टेप हैं, सुनते रहो भी आगे। कंसीडर द आइटम्स ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड प्रोसीड एज फॉलोस। बस, तो अब हम आ चुके हैं पेमेंट साइड पे, वो सारी कौन सी साइड थी, रिसीट साइड। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ओपनिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का हो सकता है,
तो वो आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के। ठीक, प्रीवियस ईयर की जो पेमेंट्स आपने इस साल करी होंगी, यानी कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो लायबिलिटी थे। आपने इस साल पेमेंट करी है लेकिन वो पिछले साल की है, इसका मतलब पिछले साल वो आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो वो आपको बैलेंस शीट में डाल देनी है। कौन सी? पिछले साल की। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एट द एंड शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो पेमेंट साइड में आपने देखा होगा क्लोजिंग कैश आता है एंड में बाय बैलेंस सीडी के नाम से, उसमें कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों होते हैं। वो आपको करेंट ईयर की बैलेंस शीट में डाल देने हैं। उसके बाद एंटर द रेवेन्यू पेमेंट्स फ्रॉम द करेंट ईयर आफ्टर कंसिडरिंग इन्फॉर्मेशन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रेवेन्यू जितनी भी पेमेंट साइड में कैपिटल रेवेन्यू दोनों पेमेंट होती है, लेकिन खाली रेवेन्यू पेमेंट जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। एंटर द कैपिटल पेमेंट्स लाइक परचेज ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द एसेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। सही कह रहा है एकदम। वो कह रहा है अगर आपने पेमेंट साइड में कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है या कोई भी कैपिटल पेमेंट करी है, तो उस सिचुएशन में वो जो कैपिटल पेमेंट है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगी। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग खरीदी तो उसकी पेमेंट करी होगी ना आपने बिल्डिंग, तो बाय बिल्डिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स शो हो रहा होगा। तो वो जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में बिल्डिंग जो आपने जिसकी पेमेंट करी है वो एक कैपिटल एसेट है, तो वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगी। सर रेवेन्यू आइटम का क्या होता है? वो पेमेंट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है, लेकिन कैपिटल आइटम की पेमेंट बैलेंस शीट में एसेट में जाएगी। आगे, एनी पेमेंट्स रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर शुड बी शोन एज एन एसेट। वो कह रहा है कोई भी पेमेंट अगर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगी तो वो आपकी एसेट साइड में आएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया, ठीक, इंश्योरेंस प्रीमियम पर आप एडवांस में पे करते हो तो वो एक एसेट होता है जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंस भी कहते हैं, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द ओपनिंग बैलेंस शीट विच इज कैपिटल फंड। अब क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आपने आइटम्स डाले थे ना एसेट और लायबिलिटी में, तो आपको टोटल कर देना दोनों साइड्स का, एसेट साइड ज्यादा आएगी लायबिलिटी साइड कम आएगी, वहां से निकल के आएगा कैपिटल फंड। वो कैपिटल फंड ट्रांसफर होगा नई बैलेंस शीट में। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, वहां से निकलेगा सरप्लस या फिर डेफिसिट। सरप्लस हुआ तो जोड़ दिया जाएगा कैपिटल फंड में, डेफिसिट हुआ तो माइनस कर दिया जाएगा कैपिटल फंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद कर देना है आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल, दोनों साइड्स मैच हो जाएंगी। तो ये था आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एनपीओ। चैप्टर आपका अंतिम चरण में आ चुका है, तो लास्ट एलिमेंट देखते हैं, लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर में क्या बचे हैं। मैंने आपको बताया था उल्टा क्वेश्चन भी आता है इसमें, वो उल्टा क्या है, ये है प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब यहां पे क्या दिया होगा, पॉसिबली बैलेंस शीट दी हो ना दी हो ये नहीं पता, ठीक, तो बैलेंस शीट दी भी हो सकती है नहीं भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पक्का दिया होगा। अब आपको सारे एडजस्टमेंट्स को उल्टा करना है, बाकी सब सेम है। तो प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में देखते हैं आपको क्या करना है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इंक्लूड्स द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड एक्चुअल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। वो कह रहा है इस साल जो अमाउंट रिसीव किया और जो पे किया वही इसमें दिखाया जाता है। अब भले ही वो किसी भी साल का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता हो, चाहे वो करेंट ईयर को बिलोंग करता हो, चाहे वो एडवांस हो अगले साल का, वो सारा इसी साल दिखाया जाता है। वेदर द अमाउंट बिलोंग्स टू द करेंट पास्ट और फ्यूचर पीरियड्स एंड ऑल्सो वेदर द अमाउंट रिसीव्ड इज ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स, और क्या सभी आइटम हो चाहे वो कैपिटल चाहे रेवेन्यू सब इसमें दिखाया जाता है, ठीक। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली द रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दैट ऑल्सो फॉर द करेंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली एंड ऑल्सो ऑन अर्नड वेदर एक्चुअली रिसीव्ड और इन कैश और नॉट एंड इनकर्ड वेदर एक्चुअली पेड इन कैश और नॉट बेसिस। तो वो कह रहा है लेकिन एक समस्या क्या है हमारे सामने सबसे बड़ी, वो ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक तो रेवेन्यू आइटम्स दिखाए जाते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू पेमेंट, दूसरा वो जो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स है वो एक्चुअली वे रिसीट्स और पेमेंट्स है ही नहीं, वो तो एक्सपेंसेस और इनकम्स है। सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। रिसीट्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, लेकिन इनकम का मतलब क्या होता है, अमाउंट ड्यू
फॉर द करेंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। ठीक, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड तो किसी भी साल का हो सकता है, बिलोंगिंग टू प्रीवियस ईयर, बिलोंगिंग टू नेक्स्ट ईयर, बिलोंगिंग टू करेंट ईयर, लेकिन अमाउंट ऑफ इनकम बिलोंग्स ओनली टू द करेंट ईयर। ठीक, वेदर रिसीव्ड और नॉट, यानी कि आउटस्टैंडिंग मिला के। तो पॉइंट इज आपको उन एडजस्टमेंट्स को उल्टा करना है और वापस हमें रिसीट्स तक पहुंचना है और पेमेंट्स तक पहुंचना है जो हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखा सके। ओके, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉर अडॉप्टेड फॉर प्रिपेयरिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फ्रॉम द गिवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा। उसके बाद पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड रिसीट साइड ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या करना है, सिंपल, ओपनिंग बैलेंस दिखा दो, दिया होगा गिवन। टेक इन टू कंसिडरेशन द आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। अब क्या करना है, पिछले साल की बैलेंस शीट आपको दी होगी, उस बैलेंस शीट में ना अक्रूड आइटम्स होंगे। अक्रूड इनकम्स क्या होती हैं, वो जो इनकम ड्यू हो गई लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई। एक बात बताओ, जब पिछले साल ड्यू हुई थी नहीं रिसीव हुई, ठीक कोई बात नहीं, इस साल तो रिसीव होंगी ना। तो अगर पिछले साल की कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो इस साल आएगी रिसीट्स में। इफ देर इज नो आउटस्टैंडिंग इनकम एट द एंड और क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑल्सो, इट मीन्स द एक्चुअल रिसीट ऑफ इनकम ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड एंड द सेम शुड बी शोन इन द रिसीट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर इस साल की बैलेंस शीट में करेंट ईयर में कोई इनकम का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब वो सारी इनकम पिछले साल जो ड्यू थी और रिसीव नहीं हो पाई थी, यानी कि पिछले साल की अक्रूड इनकम वो इस साल आपको पूरी रिसीव हो चुकी है, तो वो आपको रिसीट साइड में दिखानी है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। कंसिडर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, सेम है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको चेक करना है लाइबिलिटी साइड में रखा होगा आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो उनकी, ये चेक करो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में है या नहीं, नहीं है इसका मतलब सारी पेमेंट कर दी। इफ दिस आइटम इज नॉट गिवन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, इट मींस दैट सच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड द सेम शुड बी शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की पेमेंट साइड। ठीक, उसके बाद कंपेयर क्लोजिंग एसेट्स विद द ओपनिंग एसेट्स। तो अब आपको क्या करना है, चेक करो, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर पिछले साल कितना बैलेंस था, इस साल कितना बैलेंस है। इफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स इज मोर देन द ओपनिंग बैलेंस द डिफरेंस शुड बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ द एसेट्स। सिंपल सी बात है, अगर 10,000 था 12,000 हो गया तो आपने खरीद लिया होगा, एंड द सेम शुड बी शोन इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीटेंट पेमेंट्स अकाउंट एज शोन बिलो। इमेजिनरी फिगर ले रखी है, आपको दे रखा बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड एट द एंड, क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख था, एड डेप्रिसिएशन, अब इसमें मैंने डेप्रिसिएशन वापस जोड़ दिया। ठीक, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगाने से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। ये डेप्रिसिएशन कहां पे गिवन होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वापस जोड़ दो, तो 2 लाख का था और इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,60। तो आपने कितना खरीद लिया, 40,000, तब जाके वो 2 लाख का हुआ होगा। ठीक, आगे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन एसेट इज लेस देन द ओपनिंग बैलेंस द डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो कह रहा है अगर ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है क्लोजिंग बैलेंस कम है तो आपको डिफरेंस चेक करना, जैसे 2 लाख है और 1,60,000 है तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 40,000। ये 40,000 आपको डेप्रिसिएशन दिया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इफ देर इज अ डिफरेंस इवन आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो कह रहा है तब भी अगर गड़बड़ है, मान लो यहां 1.5 लाख है, 1.5 लाख है या फिर कुछ और ही है, मान लो 1,70,000 है और डेप्रिसिएशन 40,000 है, तो ये तो मैच ही नहीं हो रहा क्योंकि 40,000 का डेप्रिसिएशन हटा के ये 1,60,000 बचना चाहिए, बट बच कितना रहा, या तो 1,70,000 या 1,50,000। इट रिप्रेजेंट सेल, तो ये क्या दिखाएगा आपकी सेल, ठीक है, यानी कि डिफरेंस ज्यादा है, एंड द सेम शुड बी शोन इन द रिसीट साइड ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो डिफरेंस आने के बाद जो है वो आपकी सेल आएगी और वो आपको रिसीट साइड में दिखानी है। डिडक्ट आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द करेंट ईयर
फ्रॉम द रेस्पेक्टिव आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस गिवन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यार एक बात बताओ, जो करेंट ईयर में आइटम्स ड्यू होते रिसीव नहीं हो पाते या फिर ड्यू होते पे नहीं हो पाते, चाहे वो इनकम्स हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स तो नहीं है ना? इसका मतलब जो आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिए हैं उसमें करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपने जोड़ रखा है वो ना तो रिसीव हुआ था ना पे, वो उसमें से हटा दिया जाएगा माइनस। द बैलेंस शुड बी ट्रीटेड एज एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्चुअल पेमेंट्स एंड द सेम शुड बी शोन इन द, उसको हम दिखाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। अब सरप्लस और डेफिसिट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुड बी इग्नोर्ड। नमस्ते कर दो उसको, इग्नोर कर दो। इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एनी न्यू फंड अपियरिंग इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन ग्रांट रिसीव्ड एंड द सेम शुड बी शोन ऑन द रिसीट साइड ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। को है न्यू फंड अपीयरिंग द क्लोजिंग बैलेंस शीट। अच्छा वो कह रहा है करेंट ईयर की बैलेंस शीट में अगर आपको कोई भी नया फंड दिखे, जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, ठीक है, तो वो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स में रिसीट साइड में दिखाना है। ओके एनी एडिशन टू द कैपिटल फंड ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी। कैपिटल फंड में अगर कुछ जुड़ रहा होगा, जैसे कि लेगेसी ये रिसीव हुई होगी आपको, एंट्रेंस फीस ये रिसीव हुई होगी, लाइफ मेंबरशिप फीस ये रिसीव हुई होगी, तो वो आपकी रिसीट्स मानी जाएंगी। इनकम रिसीट इन एडवांस अपियरिंग इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज अ रिसीट ड्यूरिंग द ईयर। भाई सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट में अगर आपको दे रखा है इनकम रिसीट इन एडवांस लाइबिलिटी साइड में, तो वो भी तो मिला ही है ना करेंट ईयर में, टोटल रिसीट के अंदर वो आएगा, तो वो भी आपकी रिसीट मान ली जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयरिंग इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट शुड बी ट्रीटेड एज पेमेंट्स। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब करंट ईयर के एंड में जो भी एडवांस पेमेंट आपने कर रखी है वो एडवांस पेमेंट एक पेमेंट है, वो रिसीट एंड पेमेंट्स में पेमेंट में आनी चाहिए। ओके बैलेंस द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैश अकाउंट और बैंक बैलेंस। अब आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का बैलेंस निकालना है टोटल करके, डेबिट माइनस क्रेडिट। इफ द क्लोजिंग बैलेंस, वो कह रहा है क्लोजिंग ज्यादा हुआ नहीं, गिवन है, आर गिवन, द डिफरेंस मे इंडिकेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन एंड कैश एट बैंक एज द केस में भी। कुछ भी हो सकता है, ओपनिंग दिया तो क्लोजिंग निकल आएगा, क्लोजिंग दिया तो ओपनिंग निकल आएगा, सर दोनों दिए तो मैच हो जाएगा। इन शॉर्ट इट मे बी स्टेटेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स इन डिफरेंट टर्म्स वी हैव टू अडॉप्ट एग्जैक्टली द रिवर्स प्रोसीजर दैट इज फॉलोड इन द इन कैलकुलेटिंग द करेंट इनकम और करेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल दिए हैं इमेजिनरी फिगर से, इसको पढ़ लेना, चैप्टर को क्लोज करते हैं। ठीक, देखते हैं क्या बचा है इसमें। व्हेन बैलेंस शीट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, वो कह रहा है जब आपको दोनों बैलेंस शीट बनानी पड़े तो क्या करें। समटाइम्स द एग्जामिनेशन प्रॉब्लम रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दोनों बैलेंस शीट आपको बनानी है। द रिक्वायर्ड मटीरियल इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अब आपको क्या करना है, सब दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी दिया है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स भी दिया है, और आपको एडिशनल इन्फो यानी कि एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है, और जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, वो आपको डाल देना है ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। उसके बाद आइटम्स ऑफ डेबिट और रिसीट्स साइड ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आर कंपेयर्ड विद द क्रेडिट और इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट में अगर डेबिट साइड में दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 5 लाख, तो उसको कंपेयर किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सॉरी सब्सक्रिप्शन टू बी शोन, ठीक है, वो 5 लाख पॉसिबली ना हो। तो अब क्या करना है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ऑफ द करेंट ईयर फॉर द क्लोजिंग बैलेंस शीट। द पॉइंट इज आपको क्या निकालना है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स यानी कि कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था दोनों के डिफरेंस से। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये निकालनी है आपको, कितना पैसा एडवांस में मिला हुआ है। सेल ऑफ एन एसेट ड्यूरिंग द ईयर, आपको सेल निकालनी है, कितनी एसेट बेच दी। आइटम्स विच वुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड टेकन टू स्ट्रेट टू द बैलेंस शीट दैट इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग्स एंडोमेंट फंड लेगेसी। जितने आइटम कैपिटलाइज होते हैं जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं वो आपको निकालने, ऐसे ही आपको क्रेडिट आइटम्स यानी कि जो पेमेंट वाले आइटम है वो आपको डेबिट से कंपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, क्या निकालने के लिए,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, कंज्यूमेबल का स्टॉक, परचेज ऑफ एसेट और डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो वहां से आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो। ये था आपका चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू वेरी मच।